मिर्जापुर के दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। लंबे इंतजार के बाद ये वेब सीरीज 23 अक्टूबर को रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के साथ ही इसे लेकर विवाद भी होने लगा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पर बनाई गई इस वेब सीरीज में बाहुबली की कहानी दिखाई गई है, साथ ही दिखाया गया है कि कैसे मिर्जापुर की गद्दी को हासिल करने और पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए खेल होता है। पंकज त्रिपाठी का किरदार इसमें एक बाहुबली का है। अब इस वेब सीरीज को लेकर विवाद होने लगा है। एक तरफ अपना दल और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इस वेब सीरीज के जरिए इस इलाके को हिंसक बताया जा रहा है और इलाके को बदनाम किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष अभिनेता राजू श्रीवास्तव ने भी इस पर आपत्ति जताई है। वेब सीरीज में हिंसा भरे कंटेंट को लेकर नाराजगी जाहिर की, साथ ही सीएम योगी से मांग की है कि फिल्मों की तरह वेब सीरीज को भी सेंसर बोर्ड के अधीन लाया जाए। मुझे लगता है वक्त आ गया है जब ये ऑनलाइन जो वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, इनका पहले सेंसर हो, ये भी सेंसर बोर्ड के अधीन आए, पहले वहां से पास कराएं, बाद में प्रदर्शित की जाए, जिससे ये गंदगी की रोकथाम की जा सके। ऐसी में मांग अपने मुख्यमंत्री जी से भी करता हूँ कि योगी जी इस विषय को संज्ञान में लें और इन्हें सेंसर बोर्ड के अंडर में लिखें। मिर्जापुर 2 कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है और मिर्जापुर 1 की तरह ही इसमें भी जो कंटेंट परोसा गया है उस पर नाराजगी है। गाली गलौच, खून खराबा और जिस तरह के कंटेंट मिर्जापुर वेब सीरीज में दिखाए गए, वास्तव में मिर्जापुर का इतिहास कभी ऐसा रहा ही नहीं है। न्यूज़ तक ब्यूरो।